कांग्रेस आलाकमान ने वरिष्ठ नेता कुमारी शैलजा को उत्तराखंड कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आलाकमान के इस फैसले का स्वागत किया है। इस दौरान पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि कुमारी शैलजा पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं और उनके आने से कांग्रेस में मजबूती आएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व ने शैलजा जी को उत्तराखंड की कमान सौंपी है और निश्चित रूप से जो उनका अनुभव है उस अनुभव के आधार पर वो उत्तराखंड राज्य के अंदर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेगी और मजबूती के साथ साथ इस राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि अनुभवी व्यक्ति को भेजना चाहिए, मैंने ये कहा कि जो व्यक्ति भी आए वो जो है राज्य में समन्वय बनाने का काम करे, और जो समन्वय बनाने में विफल हो, जो स्वयं गुटबंदी में लिप्त हो जाए, तो वो कदापि उचित नहीं है। शैलजा जी हमारी बहुत परिश्रम नेता हैं और कई राज्यों में उन्होंने जो है कार्य किया है और उनके नेतृत्व में इस राज्य के अंदर कांग्रेस जो है फिर से आगे बढ़ने का काम करे।